नाज़रीन, वादी कश्मीर में जिस तरह से खुदकुशी के वाकात हमें देखने को मिल रहे हैं, ये एक सीरियस और सेंसिटिव इशू बन चुका है। इन वाकात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। हर रोज़ हमें एक नया केस देखने को मिलता है जिसके चलते इन वाकात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। आपको मैं बताते चलूँ, अभी हम सोपोर के हाथीशाह ब्रिज के बिल्कुल नीचे हैं। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सोपोर का हाथीशाह ब्रिज है। ये जो ब्रिज है, ये इस तरह के वाकात के लिए एक मखसूस सुसाइड पॉइंट बन चुका है। सोपोर का हाथीशाह ब्रिज और साथ ही साथ जो छानखन ब्रिज है, ये दो ब्रिज सोपोर में सुसाइड पॉइंट्स बन चुके हैं। यहाँ के नौजवान लड़के और लड़कियाँ, यहाँ तक कि दूर दराज इलाकों से, सोपोर के जो एडजॉइनिंग एरियाज़ है, वहाँ से जो नौजवान, ख़ासतौर पर नौजवान लड़के और लड़कियाँ यहाँ पर आते हैं और ये एक्सट्रीम स्टेप उठाकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा करते हैं। और इसके लिए उन्होंने ये दो मखसूस ब्रिजस मुंतखब किए हैं, जिनमें ये आप देख रहे हैं सोपोर का हाथीशाह ब्रिज है और साथ ही छानखन ब्रिज शामिल है। वहीं अगर हम लोगों की बात करें तो जो लोग हैं, उन्होंने कई बार सोपोर एडमिनिस्ट्रेशन की नोट्स में ये बात लाई कि इन ब्रिजस पर फेंसिंग की जाए, लेकिन अभी तक लोगों की ये डिमांड पूरी नहीं हो सकी है। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है सोपोर ट्रेडर्स फेडरेशन के जो स्पोक्स पर्सन है और साथ ही चश्मदीद गवाह है, जिन्होंने अपनी आंखों से कई खुदकुशी के वाकात रूनुमा होते देखे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी डिमांड्स रही है कि जो सोपोर टाउन में जितने भी ब्रिजेस हैं उन पर फेंसिंग की जाए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से अभी कोई इकदाम नहीं उठाया गया है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी मोहम्मद शफी चंगाल साहब, आप बताइए कि बहुत सारी डिमांड्स रही है आपकी, जो सोपोर टाउन में जितने ब्रिजेस हैं उन पर फेंसिंग की जाए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से अभी वो कदम नहीं उठाया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने इस बारे में जो स्टोरी बनाई है, ये यहाँ की लोगों की बहुत बड़ी डिमांड है। इसके लिए मैं आपको सराहना करता हूँ जो आप यहाँ आए हैं। दूसरी बात, आपने कहा चश्मदीद गवाह, इसी वजह से मैं आपकी शुक्रिया करता हूँ। चश्मदीद गवाह मैं हूँ, मैंने अपने आँखों से देखा लोग खुदकुशी कर रहे हैं। मैं हाल ही में आपकी बात बताऊँगा, तकरीबन 15-20 दिन की ये बात है, चूँकि मेरा दुकान भी यहाँ नज़दीक है। 20 दिन की बात है कि एक बच्ची यहाँ बैठी थी पुल के खड़ी उसी पंजरे के साथ, इस पुल के पंजरे के साथ उसके गोद में एक बच्चा, बिल्कुल दूध पीता बच्चा। और जब मैंने उसको देखा, मेरे साथ एक और साथी था, मसूद अलक मिर्चा उसका नाम है, तो हमने देखा इसकी हरकत सकना था, तो जब हम उसके करीब गए तो उसने पाँव ऊपर उठाया छलांग लगाने के लिए, छलांग लगाने मुकम्मल बच्चे के समेत। तो हमने उसी वक्त उस पर हाथ पकड़ा, हमने पकड़ा और कुछ जवान आए जिन्होंने उसको छुड़ा दिया, और फिर हमने पुलिस को टेलीफोन किया और पुलिस आए। ये एक वाक़ा मैं बताऊंगा। इसी तरह से और भी बहुत सारे वाक़े ऐसे हैं। कुछ ही दिन पहले कि यहाँ एक बच्ची बैठी हुई थी यहाँ रोड पर, जो रो रही थी, बुरका पहनी हुई थी, तो हमने महसूस किया शायद ये, तो जब हम पास गए तो वो रो रही थी, बहुत रो रही थी, तो हमें शक हुआ और हमें पता कि ये उसने कुछ अपनी घरेलू मजबूरी देखी। लेकिन बात इसी तरह कि चल वे इस आज ही नहीं, बहुत इस वक्त एक छोटी बच्ची ने सिर्फ गुर्बत के खातिर छलांग लगा, जो बहुत हाईलाइट हुआ है तमाम कश्मीर में। सब कुछ देखते हुए हमने गवर्नमेंट से कई बार इल्तिजा की कि इसको, इनको फेंसिंग किया जाए, जो ये पुल हैं इनको बंद किया जाए। ये इनको बिल्कुल साफ टारगेट लगता है अपने आप को मारने के लिए। पुल के नज़दीक आए और छलांग मार दी, और मौका ही नहीं मिलता कि अगर कोई इनको हेल्प करना चाहते हैं वो हेल्प भी नहीं कर सकता, क्योंकि जब पुल से वो नीचे गिरते हैं, नीचे उनकी जो नीचे तो बहुत पत्थर हैं, वो तो सबसे पहले मर जाते हैं पत्थर के चोट से, बचने की उम्मीद उनको बहुत कम होती है। इसलिए गवर्नमेंट की हमने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई, लोग अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। जब कोई छलांग मारता है, लोग पुलों के फेंकते अपने आप को दरियाओं के किनारे जाके हैं, किश्तियाँ निकालते हैं, किश्तियाँ निकालते हैं, उनको बचाते हैं, बचाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन सरकार की भी कोई जिम्मेदारी है ना, जब सरकार के कानों में डाला गया है कि यहाँ जो ये हो रहा है उनको पता भी है, पुलिस को भी पता है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है, तो फिर उनको अगर उन्होंने आश्वासन हमें दिया है कि हम इसको इनकी फेंसिंग करेंगे,
देर करने में इसमें क्या मकसद है कि इसको हम अगर देर करेंगे, इसका मतलब यह है कि और लोग मरे और बच्चियाँ मरे और बच्चे मरे। हमारी गवर्नमेंट से आपके तवसल से फिर ये डिमांड है, फिर ये हम उनसे गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके अब बहुत देर हो चुकी है तो इनकी फेंसिंग किया जाए और जो जो खुदकुशियों के वाकात हुए हैं पुलों से जो अपने आप को छलांगे मारते हैं, एक मैंने अभी आपको बताया एक बच्ची थी उसके दूध पीता बच्चा उसके था उसके समेत वो खुदकुशी करना चाहता था। तो ऐसी चीज़ें तो हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। जब आपने सोपोर एडमिनिस्ट्रेशन की नोट्स में ये बात लाई तो वहाँ से आपको क्या जवाब मिला? बस सिर्फ यकीन दहानी, सिर्फ यकीन दहानी मिली, बस ये नहीं यकीन दहानी मतलब कुछ करना है, करना तो जब उनको यकीन दहानी उन्होंने दी है तो ये फिर काम करना होता है ना। मैं नहीं कहता हूँ कि 5 दिन पहले मैंने बोला, 10 दिन पहले हमने बोला, हमने तो 1 साल से हम यही डिमांड कर रहे हैं। यकीन दहानी के अलावा कुछ यकीन सिर्फ वो यकीन दहानी करते हैं मगर प्रैक्टिकल में वो ये हमारी आंखें यहाँ देखते हैं किस तरह से एक हैबत जब यहाँ जो भी चलता है जो भी यहाँ से निकलता है समझ में आता है कि कोई ना कोई छलांग मारेगा। खासकर अगर हाथीशाह और छानखन ब्रिज की बात करें ये हॉटस्पॉट बन चुका है खुदकुशी की। मैं ये ठीक बात है कि मैं इन दोनों पुलों की बात करूँ, मैं कहता हूँ सबों की जो होगा ठीक है मगर मैं ये कहूँगा कि कुपवाड़ा की बच्ची आती हैं यहाँ छलांग मारने के लिए, हथलंगों की बच्ची आती हैं यहाँ छलांग मारने के लिए, सोपोर पुल तो ये तो है ना एक बन गया है कि एक ऐसा पॉइंट ये बन गया है जो बहुत डेंजरस पॉइंट बन गया है। इसलिए हम गवर्नमेंट से, इसलिए तो गवर्नमेंट का लोग तो कहते हैं ना कि लोगों की भी जिम्मेदारी है, भाई लोग निभा रहे हैं, जब लोग निभा रहे हैं तो आपकी जो जिम्मेदारी है आप भी निभाइए। तो एडमिनिस्ट्रेशन से एक बार फिर आपकी क्या अपील रहेगी? कहें सबसे पहले तो जो आप मैं आपकी चैनल के तवसल से ये सबसे बड़ी अपील है, इसके बाद हम फिर मिलेंगे। हमारा प्रेसिडेंट है ट्रेडर्स फेडरेशन के हाजी मोहम्मद अशरफ गनाई साहब है, मैं चूँकि स्पोक्समैन हूँ ट्रेडर्स फेडरेशन से, हमारे हैं वे एक बॉडी हैं सरपरस्ते आला हैं इनायत अल्लाह हाजी साहब हैं बाकी बॉडी हम गए हैं उनके पास और जाएंगे, हमें तो जाने की ऐसी नहीं, हम और जाएंगे और कहेंगे। और कितनी अच्छी बात होती कि लोगों की डिमांड है, हर एक की ये डिमांड है, सिर्फ ट्रेडर्स फेडरेशन की डिमांड नहीं है, हर एक की डिमांड है जो चलता है इस पुल से, जो पेपर पढ़ता है, जो सोशल मीडिया देखता है, फिर ये हाल देखता है, फिर उसके बाद उसके एकदम तुरंत आता है ख्याल कि इसकी फेंसिंग होनी चाहिए। उसके लिए तो हमने काम किया है, बोल दिया है एडमिनिस्ट्रेशन में, अब उनकी हाँ बिल्कुल हम और भी उनके पास जाएंगे। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप भी उनके पास जाइए और उनसे कहिए, हमारे बहुत हमारे काबिल अफसर हैं यहाँ, ADC साहब हैं, बहुत अच्छे अफसर हैं, आप उनसे भी कहिए, उनसे क्या 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 प्रॉब्लम क्या मजबूरी है, क्यों नहीं है ऐसे ये जो आपने फेंसिंग का वादा किया है क्यों नहीं ये हो रहा है। जी नाज़रीन, लोगों की जो डिमांड है कि सोपोर टाउन में जितने भी ब्रिजेस हैं उन पर फेंसिंग की जाए, उस वाले से हम ADC साहब के पास आए हैं, उनसे स्टेटमेंट लेते। जी सर, आप बताएं कि लोगों की जो डिमांड है कि काफ़ी टाइम से उनकी ये डिमांड रही है कि सोपोर टाउन में जितने भी ब्रिजेस हैं उन पर फेंसिंग की जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई इकदाम नहीं उठाया गया। बेसिकली हमारे 3 बड़े ब्रिज हैं जो जहलिम के हमें जिनको क्रॉस करना पड़ रहा है, एंड इसमें सबसे जो जहाँ हमें कंप्लेंट्स आ रही है, जहाँ हमें सुसाइड पॉइंट वाकई लग रहा है, दैट इज़ द जामिया कदीम ब्रिज जो है, एंड उसमें ऑलरेडी हमने टेकअप किया हुआ है, उसमें जो एस्टिमेशन करनी थी आर्मी डिपार्टमेंट से वो भी हम ली, करीबन 25 लाख का बन रहा है, एंड वी आर राइटली थैंकफुल टू वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब, उसने वो अप्रूव भी एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द म्यूनसिपल काउंसिल अप्रूव भी कर दिया है, एंड मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह उसमें जून जुलाई के अराउंड इसमें काम लग जाएगा, एंड जो बाकी 2 ब्रिजेज हैं उसको भी हमने प्लान में रखा हुआ है, एस्टिमेशन बनाई हुई है, एंड उसको भी चैनलाइज किया हुआ है, एंड जो ही उसके भी अप्रूवल आ जाए उस पर भी काम लग जाएगा। कब तक ये मुमकिन है कि इन ब्रिजेस पर काम लग जाएगा? मैंने बोला शायद कि हम जामिया कदीम का ब्रिज है उसमें मुझे लगता है जून के एंड में ही टेंडरिंग हो जाएगी, एंड देन जुलाई के अराउंड में काम शुरू होना, अलॉटमेंट के बाद उसको काम शुरू हो जाएगा, एंड जो बाकी 2 ब्रिजेस है उसमें भी अपनी जो एस्टिमेशन करनी हुई है कंप्लीट हुई है, इसको भी हमने चैनलाइज किया है, प्लान में रखा हुआ है, एंड उम्मीद है इंशाल्लाह उसमें वो 2 ब्रिजेज इंशाल्लाह इसी साल के आखिर तक वो भी हो जाएगा। जी तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपोर SA रैना साहब। जैसे कि आपने खुद भी सुना है कि उन्होंने ये कहा कि जो जामिया कदीम ब्रिज है उसके हवाले से हमने जो डिप्टी कमिश्नर बारामूला है उससे अप्रूवल मांगा है, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव भी किया है और जून जुलाई के एंडिंग तक इस जो जामिया कदीम ब्रिज है वहाँ पर फेंसिंग की जाएगी, बाकी जो 2 ब्रिजेस है उन पर भी गौर खोज कर रहे हैं, उसको भी आने वाले टाइम में उन दोनों ब्रिजेस पर फेंसिंग की जाएगी।